क्या रहे हैं ये महाशय। तो चलते हैं ट्वीट पे। एक महाशय हैं, एमएलए साहब हैं ये हमारे, और ये कहाँ के एमएलए हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ओके, ठीक है, इन्होंने लिखा क्या नोटिस के अंदर वो भी पढ़ लेते हम। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फ़ोटो देखो आप, मैं इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना। ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फ़ोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हों, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। और ये भाई साहब यहाँ पर दिल्ली, न्यू दिल्ली पीएम मोदी को ट्वीट कर रहे हैं इतनी दूर से। भाई साहब बहुत बढ़िया कि आपने ट्वीट करके, हम आपके आभारी हैं, आपने इतना हमारे देश के लिए सोचा। बट आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं हमारे देश के लिए सोचने के लिए। उनका जो लड़का का पारस का जो हमारा खिलाफ वो बोल रहे हैं वो ठीक है, इफ इट्स एन इंडिविजुअल लेवल आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरा अरुणाचल को उन्होंने लिखा, हमको चिंकी आइस कहते हैं, हमको चिंकी बोलते हैं, हमको एक चीनी कहते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज गया हुआ है थ्रू आउट द कंट्री। मैं जानता हूँ चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, पूरा जो सिर्फ पूरा भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में हमारे बच्चे सब बाहर भी पढ़ते हैं। और हम जब जाते हैं हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। और इसमें जब आप जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये चीन का चीन जैसा लगते हैं, भारतीय जैसे भी नहीं दिखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा यहाँ मैरीकॉम है, अभी का जो लेटेस्ट जो पबजी का जो एक उसका रिप्लिका अभी वो अभी लॉन्च करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोल के, तो इसके खिलाफ मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था चिट्ठी। वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो क्राफ्टन है ये कोरियन कंपनी है, ठीक है, और जो टेंसेंट जो है ये इट वाज चाइनीज कंपनी, और ये चाइनीज कंपनी जो है ये पहले भी पबजी को इसको चलाया था। ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ खासतौर अरुणाचल प्रदेश में और जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो बहुत ही नादान है, तो उनका इसका क्या इफेक्ट होता उनको पता नहीं है। जैसे पहले ब्लू व्हेल को बैन किया गया था, वैसे जितने भी 69 ऐप्स जो मैंने पहले भी प्रधानमंत्री को लिखा था, तो इसमें यही बात थी कि मैं इसको एक रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के बच्चों को जो पबजी का जो ये गेम है ये उन लोगों को डाइवर्ट कर देते हो, एडिक्टेड कर देते हैं, और इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रग। एक बार आप एडिक्टेड होने के बाद रात भर नहीं सोते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं, तो इसलिए हम इसका खिलाफ है और हम कंप्लेंट किए थे।